आप सभी को जय मसीह की। विश्व भर में 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस या बड़े दिन के नाम से जाना जाता है और मनाया भी जाता है। लोग आपस में केक या गिफ्ट्स शेयर करते हैं, एक दूसरे को देते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं। हालांकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के जन्म के बारे में मत्ती के सुसमाचार और लूका के सुसमाचार में लिखा गया है। इस वीडियो के दौरान हम ये सीखेंगे कि यीशु मसीह का जन्म या फिर यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया। सबसे पहले लूका के सुसमाचार 19वीं अध्याय और 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मतलब यीशु इस संसार में आने का एक ही मतलब है, ताकि वो पापियों को बचा सके। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए नहीं आया ताकि वो पापियों को ढूंढे और उनका नाश करे या फिर उनको दंड दे, लेकिन यीशु मसीह सबसे निराला है, सबसे अलग है। यीशु मसीह का आने का मकसद कुछ और है, और वो मकसद यह है कि यीशु मसीह चाहता था कि जितने भी पापी हैं वो सब बच जाए। अब पापी कौन है? बाइबल में रोमियों की किताब उसकी 3री अध्याय और 23वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हुए हैं। इसका मतलब जितने भी मानव जाति है या फिर जितने भी लोग इस संसार में जन्म लिया है वो सब पापी है, और यीशु मसीह उन सबको बचाना चाहता था, और इसलिए यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया। दूसरी बात, यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? मरकुस का सुसमाचार उसका 10वीं अध्याय और 45वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, उसकी लास्ट के कुछ वर्डिंग्स बताना चाहती हूँ, बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण देने आया। उसकी पूरी आयत इस प्रकार है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल किया जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे दें। अब यीशु मसीह लोगों की उद्धार के लिए आया, लेकिन लोगों की उद्धार कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने कोई क्रियाक्रम नहीं बताया कि आप इतना पैसे दे दो या फिर आप इतना फल चढ़ाओ, इतना फूल चढ़ाओ या अपने शरीर को दंड दे दो। इस प्रकार की कोई भी क्रियाक्रम यीशु मसीह ने हमसे करने नहीं कहा है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। और यीशु मसीह यही चाहता है और परमेश्वर की यही इच्छा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे उनके लिए, सबके लिए, उनकी पापों से वो लोग छुटकारा पाए। तो दूसरी बात, यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए क्योंकि यीशु मसीह अपना प्राण देना चाहता था, ताकि वो बहुतों के लिए एक चुनौती का कारण बन जाए। तीसरी बात, यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उन्हें अनंत जीवन मिले। इसका हम संक्षिप्त में इस प्रकार कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आया है। यूहन्ना उसका 3री अध्याय और 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। यीशु मसीह संसार में आने का तीसरा कारण यह है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करे, यीशु मसीह उनको एक गिफ्ट देना चाहता है, और वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब है हमारे इस संसार के बाद, संसार में जीवन जीने के बाद हमारा एक और जीवन है, और वो है अनंत जीवन। या तो आप स्वर्ग में अपना जीवन बिताओगे या तो नरक में अपना जीवन बिताओगे। और अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, नाश नहीं होना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने एक बहुत आसान तरीका आपको बताया है, और वो है यीशु के नाम पर विश्वास करें। पहला यूहन्ना उसकी 5वीं अध्याय और 13वीं आयत में भी इसी प्रकार लिखा है कि यीशु के नाम पर जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर जो विश्वास करते हैं, उन्हें अनंत जीवन मिलता है। तो प्रियो, क्रियाकर्म जो है हमें स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है हमारे सारे क्रियाकर्म परमेश्वर के सामने फटे छितड़े कपड़ों के समान है। इसलिए परमेश्वर हमारा कोई भी क्रियाकर्म नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दिल से अपना विश्वास परमेश्वर पर रखें। चौथी बात, यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? पहला यूहन्ना उसकी 3री अध्याय और 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे।
शैतान जो है चाहता है कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाए, हमारे जीवन में अशांति रहे, दुख रहे, तकलीफ रहे, हमारे बच्चे बिगड़ जाए या हमारे माँ बाप क्लेश में रहे, हमारे परिवार में टेंशन्स रहे, हमारा परिवार टूट जाए, हमारे परिवारों में एक्सीडेंट, बीमारियाँ, श्राप रहे कर शैतान चाहता है। लेकिन यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि शैतान के हर कामों को नाश कर सके या नष्ट कर सके। इसका मतलब है प्रियो, शैतान का कोई भी अधिकार उन लोगों पर नहीं है जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। यूहन्ना के सुसमाचार में एक आयत है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। ये चोर कौन है? ये चोर और कोई नहीं है, ये चोर शैतान है। तो शैतान आता है आपके जीवन से चोरी करने, घात करने और आपके जीवन को नष्ट करने, आपके जीवन की शांति चुराने, आपके जीवन की आशीषों को चुराने, आपके परिवार को नष्ट करने, अपने जीवन को घायल करने या घात करने। और इसलिए परमेश्वर आया ताकि शैतान की सारी युक्तियाँ टूट जाए। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का जन्म इस संसार में इसलिए हुआ ताकि शैतान का जितनी भी षड्यंत्र हमारे खिलाफ है वो सब नाश हो जाए। तो अब तक हमने चार कारणों को सीखा कि यीशु का जन्म इस संसार में क्यों हुआ या यीशु इस संसार में क्यों आया। सबसे पहले हमने सीखा कि यीशु का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो पापियों को ढूंढे और उनका उद्धार करे। दूसरी बात, यीशु का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो अपना प्राण दे दे ताकि बहुत सारे लोगों की छुटकारा का कारण बन जाए। तीसरी बात, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो आपको अनंत जीवन दे पाए। और चौथी बात, यीशु मसीह का जन्म इस संसार में इसलिए हुआ ताकि शैतान की सारे कामों को वो नाश कर सके। इस वीडियो से आप आशीषित हुए हैं तो कृपया आप इस बाइबल स्टडी के सीरीज को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दें।